चलिए, कल हमने क्या देखा है? स्कैनर क्लास, यस आर नॉट क्लियर? तो आज हमें उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। कल हमने क्या देखा है, जैसे कि दो नंबर का एडिशन, सॉरी स्वैपिंग भी देखा है ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी हमने देखा है, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन क्या प्रोसेस है, प्लस और माइनस। इवन हमने उसे एक्स और गेट के जरिए भी क्या किया है, सॉल्व किया है, यस आर नॉट क्लियर? तो चलिए आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यस, आज प्रैक्टिकल हुआ है आपका? प्रैक्टिकल के अंदर कौन से कोड हो गए हैं? कौन से ओके उसके बाद रिवर्सिंग नंबर, सम ऑफ कितने डिजिट का? थ्री डिजिट्स। उसके बाद सेकेंड सू, उसके बाद रिवर्स नंबर। ओके, समझ में आ गया रिवर्स का सबको? नहीं आया? कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। झालं ना, मग समजलं का नाही रिवर्स? हे विचारतो मी, काय विचारतोय, केला का नाही केलं? नाही केलं, हे तेच विचारतो, नाही केलं म्हणजे समजलं नाही, हात काय होतो ना, मग क्लिअर, ठीक आहे। सो अभी हम क्या करते हैं, रिवर्स नंबर का एक बार कोड करते हैं। उसके बाद ओए का असाइनमेंट आपको सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा कौन सा सॉल्व नहीं हुआ? कैरेक्टर इनपुट घेतात ते स्ट्रिंग मध्ये सांगते, यस आर नॉट? कॅरेक्टर मी तेच सांगतोय, मी तुला ते स्ट्रिंग हँडलिंगच्या चॅप्टर मध्ये सांगतो, मी सध्या कॅरेक्टर काय असतं सध्या तसंच वापरायचं असं लक्षात घ्या, इज अ क्लिअर? क्योंकि कैरेट नाम की मेथड होती है स्ट्रिंग की, तो इंडेक्स के जरिए डेटा लेती है, बट उसके लिए आपको स्ट्रिंग नाम का चैप्टर आपको होना चाहिए, ये सर नॉट? जब हम आगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में उस मेथड के बारे में देखेंगे, इज इट क्लियर? ये सर नॉट? तो अभी आपको रिवर्स नंबर वाला कोड आपको समझ में नहीं आया, ये सर नॉट? सो चलिए अभी हम एग्जाम्पल पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो वी हैव राइट राइट अ प्रोग्राम, जैसे ऐसे करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर, और इनपुट अ थ्री डिजिट नंबर, यस आर नॉट? एंड रिवर्स इट, यस आर नॉट? आपको क्या करना है, तीन डिजिट का नंबर इनपुट करना है, उसे रिवर्स करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आते हैं, तो हमें ऐसे करना है, जस्ट वेट, कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा 1 2 3, ये मेरा इनपुट है, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? 2, यस आर नॉट? ऐसा ही है, नहीं है? अभी हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप मुझे बताइए, मैं रिवर्स नंबर में रिवर्स कर रहा हूं, यस आर नॉट? देखिए, जैसे मेरा नंबर अभी बताइए क्या है, 1 2 3 मेरा नंबर है, यस आर नॉट? मुझे इसे रिवर्स करना है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 3 2 1 कर रहा हूं, बराबर? अभी आप मुझे बताइए, मैं नंबर रिवर्स कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आपको एक लॉजिक बताता हूं, हम नंबर रिवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि नंबर रिवर्स का मतलब क्या है, नंबर रिवर्स मीन्स शिफ्ट पोजिशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर। देखिए, रिवर्स नंबर का मतलब क्या होता है गाइस? रिवर्स नंबर का मतलब क्या है? रिवर्स नंबर का मतलब होता है शिफ्ट पोजिशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर। आप उस नंबर के अंदर के जो डिजिट है उनका पोजिशन क्या कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो, इज इट क्लियर? यस और नॉट? शिफ्ट डिजिट पोजिशन इन दैट नंबर मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। अभी आप मुझे बताइए, 3 का पोजिशन क्या है? अरे 3 का पोजीशन 0 है, 0 पोजीशन पे है 3। उसके बाद 2 का पोजीशन क्या है? 10th पोजीशन है, मैं आपको समझाता हूं। और 1 का पोजीशन क्या है? 100। देखिए 100 पोजीशन, जैसे हम कहते हैं ना मराठीत, एकम दहम शतक, नहीं का लगा
123 इसका मतलब क्या है, 123 का मतलब क्या है, 123, तो 100 है ना. देखिए हमने ऐसे लिखा, देखिए 100 प्लस 20 प्लस 3, 1, 2, 3 और नॉट, यस और नॉट. तो ये कहां है, 100 पे है. ये कहां है, 220 मतलब कितने, दो डिजिट है, तो 10th में, 10th पोजीशन में कितने होते हैं, दो, और 3 का मतलब 0 पोजीशन. नहीं समझ में आया, यस और बेसिक मैथ शायद से, यस और नॉट. एक मिनट सामान सॉरी, चलिए ओके. हमें यहां पे क्या करना है, वी वांट टू शिफ्ट डिजिट, यस और नॉट. तो ये 0 पोजीशन है, ये 10th है और ये 100 है. अभी रिवर्स करने के बाद देखिए, अभी ओरिजिनल नंबर में 1 का पोजीशन क्या है, बोला रे 100 है. 2 का पोजीशन क्या है, 10, और 3 का क्या है, 0. अभी मैं उसे रिवर्स कर रहा, तो 1 का पोजीशन क्या हुआ, 1 का पोजीशन क्या हुआ, 0 हो गया. 2 का पोजीशन एज इट इज है क्या, 10 हो गया. और 3 का पोजीशन क्या है, 100 हो गया. मतलब याद रखिए, इस एग्जांपल में जिसका पोजीशन 100 था उसे 0 पे लेके जाना, और जिसका पोजीशन 0 है उसे 100 पे लेके आना, मतलब तो नंबर रिवर्स है. आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. देखिए प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया, हम कोड इजीली बना सकते हैं. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगेटिंग में पॉइंट और नॉट. सो चलिए, इज इट क्लियर. तो मैंने अभी आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया, क्या मीनिंग है, मैंने क्या कहा, नंबर रिवर्स मींस शिफ्ट पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन दैट. नंबर रिवर्स का मतलब है उस नंबर के अंदर के जो डिजिट है उनका पोजीशन क्या करे, शिफ्ट करे. इट इज कॉल्ड एज योर नंबर इज हियर. आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यस और नो, आर गेटिंग. चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, हाँ यस. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अभी हमें ये देखना है कि नंबर को रिवर्स अगर करना अगर होगा, तो मैंने क्या कहा, नंबर को रिवर्स करना है मतलब क्या है, शिफ्ट पोजीशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर. देखिए मैं जानबूझ के हर बार रिपीट रिपीट कर रहा हूं, यस और नो, इज इट क्लियर, यस. अद ऑनलाइन चीफ स्ट्रेंथ एकदम कसका वर्ड ले, ठीक है देखते हैं. शिफ्ट पोजीशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर, यस और नॉट. तो चलिए अभी शिफ्ट कैसे करेंगे, अभी आप 1, 2, 3 है बराबर है, इसमें से अभी आप क्या करो, 3 को बाहर निकालिए. 3 को क्या करेंगे आप, 3 वाला जो डिजिट है इस नंबर से बाहर निकालिए. कोडिंग के जरिए कैसे करना है मैं बताता हूं, पहले लॉजिक समझिए आप. 3 को बाहर निकालिए, निकाला उसके बाद नंबर में से 3 को हटाइए, हटा दिया. उसके बाद नंबर में से 2 को बाजू में निकालिए, निकाला. नंबर में से 2 को डिलीट कीजिए, किया. नंबर में से 1 को बाजू में निकालिए, ऐसे हो गया. आप देखिए अभी आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, 1, 2, 3. तो यहां 1 का पोजीशन 100 है, तो अभी यहां 100 पोजीशन किसका करना है, 3 का. सो 3 इंटू क्या रहेगा, 3 इंटू क्या होगा, 100 कीजिए. 3 इंटू 100 करने के बाद क्या हो गया, 300 हो गया बराबर. प्लस 2 को मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, हाँ कितना हुआ, 20. देखिए 2 को हमने कितने से 2 इंटू क्या किया है, 10. और 1 इंटू 1 कीजिए, तो ये कितना हो गया, 1. तो ये टोटल कितना हुआ, 321 हो गया. नहीं समझ में आया. अब देखिए मतलब ये हमारा लॉजिक है, हमने एक एक डिजिट को बाहर निकाला, एक एक डिजिट को कट कर दिया, जो लास्ट वाला डिजिट था उसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया. अभी देखिए ये हम n नंबर के लिए भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें लूपिंग के साथ जाना पड़ेगा. बट अभी हम लूप नहीं देख रहे, ना वी आर वर्किंग, वी आर इन फर्स्ट चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर में है, इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया,
अभी देखिए, अभी आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर हाउ वी कैन डू दिस टास्क इन कोड, इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ये टास्क करना तो है बट कहां? यस, ये टास्क हमें कोडिंग के अंदर करना है, तो ये टास्क मैं कोडिंग के अंदर कैसे सॉल्व करूं? अभी देखिए, यहां पे हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर, देखिए एक पॉइंट। दूसरा, हाउ वी कैन डिलीट लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, बराबर ना, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। देखिए हम बहुत स्लो जा रहे हैं बट पर्पज है कि समझ में आना चाहिए। इसमें बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये कोड पता भी है क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम करते हैं, बट उसके रीजंस हमें समझने हैं कि हमें वो क्यों करना है। जैसे बहुत सारे कोड है ना जो हम करते तो है, हमें लॉजिक भी पता है बट हमें उसका कंसेप्चुअल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इकड़ा बगड़े इकड़ा बगड़े सपनों को सर बस तबियत नहीं क्या बरोबर तुला विचार तो तबियत बरोबर नहीं क्या आए ना नक्की मत सके बस सर बस सर है ना बस बस राइट। देखिए ये हो गया हाउ एक्स्ट्रा डिजिट नंबर फ्रॉम ए, हाउ एक्स्ट्रा डिजिट नंबर फ्रॉम ए नंबर, डिजिट फ्रॉम ए नंबर चाहिए, गलत मेरे टाइपिंग में भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है डिजिट फ्रॉम ए नंबर। हाउ वी कैन डिलीट लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, अब देखिए अगर आपको किसी भी नंबर में से, देखिए पहला पॉइंट, अभी हमारा पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, नक्की समझा लेन तुम्हारा। अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बताइए, हाउ एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर, बराबर। सो वी हैव अ क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर देन राइट डिवाइड नंबर बाय 10 एंड एक्सट्रैक्ट इट्स एंड एक्सट्रैक्ट इट्स एंड कैलकुलेट इट्स रिमाइंडर एंड एक्सट्रैक्ट इट्स रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट इट्स रिमाइंडर वैल्यू। देखिए मैंने क्या लिखा, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम नंबर देन डिवाइड नंबर बाय 10 एंड एक्सट्रैक्ट इट्स रिमाइंडर वैल्यू। अगर आपको किसी भी नंबर में से लास्ट वाला डिजिट अगर बाहर निकालना होगा तो आपको उस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है और उसका लास्ट डिजिट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे देखिए अभी मेरे पास नंबर क्या है बताइए, एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, यस आर नॉट? हम इसे डिवाइड क्या करेंगे 10, जब मैं इसे डिवाइड 10 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे 12 आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा 120 और रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा 003, बराबर। बट नॉर्मली हम 00 अगर नंबर के पहले आते हैं तो कंसिडर करते हैं क्या, नहीं, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा है, आपका रिमाइंडर 3 बचा। तो मतलब देखिए इसकी वजह से हमें इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट मिला या नहीं मिला, यस और नॉट, मतलब किसी भी नंबर में से लास्ट वाला डिजिट अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना अगर होगा तो आपको उस नंबर को किससे मॉड करना है, 10 से मॉड करना है, इज इट क्लियर? अब देखिए ये होने के बाद आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर व्हाई वी नीड टू डिवाइड नंबर बाय 10, इज इट क्वेश्चन और नॉट? अगर मान लीजिए लास्ट वाला डिजिट नंबर, लास्ट वाला डिजिट को बाहर निकालने के लिए, देखिए हम कोडिंग बाद में करेंगे, आपको कोडिंग का छोड़ दीजिए राइट, मतलब कोडिंग कर रहे हो मतलब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ऐसा नहीं होता है, लॉजिक इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, ये चीज आप ध्यान में रखिए राइट। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी नंबर से लास्ट वाला डिजिट अगर बाहर निकालना है तो नंबर को 10 से मॉड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होता है, 10 से डिवाइड करने के बाद हमें उस नंबर का लास्ट वाला डिजिट बाहर निकलेगा। बट हमारे पास यह क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू डिवाइड नंबर बाय 10, 2 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं, इस केस में आपने नंबर को 10 से डिवाइड क्यों किया? आपको पता है इसीलिए हमने कोर्स के अंदर ये वाला सब्जेक्ट ऐड किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यस और नॉट? सॉरी गलत हुआ पहले, क्या इसके लिए नंबर बाय 10 ही क्यों करते हैं? देखिए इसे कहते हैं एज पर द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता है, क्या रूल्स है डिविजिबिलिटी के? आप देखिए एप्टी के अंदर आपको एक चैप्टर होगा, कॉलेज लाइफ में पढ़ा होगा ना क्वांट, क्वांट में हमें एक चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें से बहुत सारे रूल है। जैसे
पहला रूल क्या है, किसी भी नंबर को 10 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का लास्ट डिजिट बाहर निकलता है, यस और नॉट। अगर उसका लास्ट वाला डिजिट जीरो नहीं है तो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर लीजिए, मैंने लिखा 13 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, क्या निकलेगा रिमाइंडर, क्या 3। अगर मैं यहां पे 33 डिवाइड बाय 10 3 33 बाय 6 6 क्या निकलेगा, मतलब किसी भी नंबर को 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट वाला डिजिट हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ये डिविजिबिलिटी का रूल्स है। एक रूल क्या है, अगर मान लो मैंने यहां पे 5 लिखा, किसी भी नंबर के लास्ट वाले डिजिट में 5 या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। देखिए मैंने अगर लिखा 5, 5 से डिवाइड हो गया नहीं, यस। ये रूल्स है, किसी भी नंबर के लास्ट वाला नंबर अगर इवन नंबर रहेगा तो 2 से डिवाइड होता है। ऐसे बहुत 12-13 कुछ कैसे क्या है उसके रूल्स है। इसीलिए बहुत बार ये होता है ना कि हमें एफटी प्रोग्रामिंग में बहुत बार सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कंपनीज पहले राउंड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों लिखते हैं, पूछते हैं। यही उसका एक रीजन है कि हम बेसिक मैथमेटिक्स के साथ लॉजिक लगा सकते हैं क्या, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। मतलब रूल समझ में आ गया, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट बाहर निकलेगा। मतलब याद रखिए हमें प्रोग्रामिंग के अप्रोच में यहां पे क्या लगाना है, पहले केस में हाउ एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम लास्ट, सो डिजिट फ्रॉम अ नंबर, तो उसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज करना है, मॉड, क्योंकि अभी हमें रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमने ऑपरेटर के अंदर देखा है, रिमाइंडर निकालने के लिए हमें कौन से ऑपरेटर की जरूरत होती है, मॉड ऑपरेटर की जरूरत होती है। अभी आप देखिए, एक क्लियर हाउ एक्स्ट्रा डिजिट फ्रॉम नंबर वाला क्लियर, यस और नॉट। उसके बाद वी हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ वी कैन डिलीट लास्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर, क्या हाउ वी कैन डिलीट लास्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर। आप किसी भी नंबर में से लास्ट वाला डिजिट डिलीट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिलीट अ लास्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर। देखिए क्या होता है, इफ यू वॉन्ट टू डिलीट लास्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर देन वी नीड टू डिवाइड नंबर बाय 10, डिवाइड नंबर बाय 10 एंड 12, राइट, इट्स कौन सी वैल्यू, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन वैल्यूज, यस और नॉट, स्टोर इट्स रिजल्ट और क्वेश्चन रिजल्ट इन अ नंबर, यस और नॉट। जैसे इसके पहले अभी हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जैसे देखिए अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास 1, 2, 3 है, सॉरी नेटवर्क बीच में चला गया, जस्ट वेट, जस्ट वेट गाइस, सॉरी, देखिए क्या लिखा है, हाउ वी कैन डिलीट, तो आपको जैसे मान लीजिए उस नंबर को 10 से डिवाइड करके उसी में स्टोर करना है। जैसे मेरे पास 1, 2, 3 है, ये नंबर है 1, 2, 3 है, तो अभी आपको नंबर में से किसे हटाना है, 3 को हटाना है, यस और नॉट, नंबर में से किसे हटाना है, 3 को हटाना है। तो अभी आप 10 डिवाइड बाय 1, 2, 3 कीजिए और अगर आप यहां पे आते हैं तो डिवाइड बाय यहां पे क्या आएगा, 12, यहां पे क्या आता है 120, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, बट ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ रही है, 12, तो ये 12 आप वापस नंबर में रखिए, इस 12 को आप क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, नंबर के अंदर रखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, आई अंडरस्टैंड, यस, इस 12 को आप क्या करेंगे, इस 12 को आप वापस नंबर के अंदर रखेंगे, इज इट क्लियर। तो इससे क्या होगा, इससे आपका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, बाहर निकलेगा, इज इट क्लियर और नॉट, इससे क्या होगा आपका
लास्ट वाला डिजिट क्या होगा गाइस, बाहर निकलेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए जैसे, बट इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत पता होनी चाहिए। आप देखिए, इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट करते हैं और बाद में बताता हूं। मतलब यहां पे आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाला ऑपरेटर चाहिए जो कौन है, डिवाइड ऑफ। अब इसके पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब ये प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मान लो एक इसके पहले आपको वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए आप बताइए कि वेरिएबल कभी भी अपने अंदर कौन सी वैल्यू लेता है, वेरिएबल कभी भी अपने अंदर कौन सी वैल्यू लेता है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू लेता है, राइट। जैसे ये सॉल्व करने के पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। मान लो मैंने लिखा ये इक्वल टू 100। अब मान लो मैंने ये इक्वल टू अगर 100 अगर लिखा तो मेरे इस ये के अंदर क्या वैल्यू है, हाँ, ये अगर 100 लिख रहा हूं तो ये के अंदर वैल्यू क्या है, हाँ, परफेक्ट गाइस, ये के अंदर 100 है एग्जैक्ट। और मान लो मैंने अगर यहां पे वापस इसके नीचे ही ये इक्वल टू 1000 लिखा और मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ ये, अभी आप बताइए ये का वैल्यू क्या प्रिंट होगा। अब देखिए जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ये यहां पे आएगा, उसके बाद इसका वैल्यू 100 है, उसके बाद यहां पे आएगा, इसका वैल्यू कितना है, 1000 है। तो ये जो 1000 वाली वैल्यू है गाइस, ये आपकी वापस ये में जाएगी, मतलब आपका जो ये है ये क्या बनेगा, 1000। तो जब हम यहाँ पे ये को प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा, 1000। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि नोट वेरिएबल ऑलवेज स्टोर लास्ट वैल्यू, वेरिएबल कभी भी अपने अंदर कौन सी वैल्यू को रखता है, लास्ट वैल्यू को रखता है। अब देखिए अभी हमें किसी भी नंबर में से किसको डिलीट करना है, लास्ट वैल्यू को डिलीट करना है, यस और नो। सो लास्ट वैल्यू को अगर हम डिलीट करते हैं, मान लो मेरे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 है, बराबर। अगर हम प्रोग्रामेटिकली अप्रोच से जाते हैं तो आप देखिए मेरे पास ये नंबर है और प्रोग्रामेटिकल अप्रोच में अगर हम जाएंगे तो ये मेरा नंबर की जो वैल्यू है ये क्या है, याद रखिए जो मेरा नंबर है मेरा 1 2 3 है, यस आर नॉट। जो हमारा नंबर है ये क्या है गाइस, 1 2 3। अभी मुझे इस नंबर में से डिलीट किसे करना है, यस आई वॉन्ट टू डिलीट 3 फ्रॉम दिस नंबर। तो सवाल है डिलीट कैसे होगा, कुछ नहीं, आप यहां पे ऐसे लिखिए नंबर इक्वल्स नंबर बाय 10। ये जो लॉजिक है डिलीट लास्ट डिजिट, देखिए कैसे होगा। अभी इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है स्टूडेंट, 1 2 3। आपने इसे डिवाइड क्या किया, 10। इसका क्वेश्चन क्या आ गया, 12। तो ये ऑपरेटर हमें क्या देगा, 12 देगा। फिर हमने इस 12 को उठाया और इस 12 को उठाने के बाद वापस हमने 12 को कहां रखा, नंबर के अंदर रखा। अगर हमने 12 को वापस नंबर के अंदर रखा तो ये नंबर की लेटेस्ट वैल्यू 1 2 3 नंबर में रहेगा क्या, नहीं, 1 2 3 डिलीट होगा और लेटेस्ट वैल्यू क्या है नंबर के अंदर, 12। अभी अगर आप इस लाइन के नीचे, इसके नीचे अगर आप नंबर को ऐसा प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ नंबर, तो आपको क्या प्रिंट होगा, 12। मतलब आपका लास्ट वाला डिजिट गायब हुआ या नहीं हुआ, मतलब लास्ट डिजिट डिलीट करने का लॉजिक क्या है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें और उसका क्वेश्चन उसी नंबर के अंदर वापस स्टोर करें तो आपका लास्ट डिजिट क्या होता है, डिलीट होता है। मतलब आप याद रखिए हमें इस प्रोग्राम के अंदर दो ऑपरेटर के साथ जाना है, कौन से, मॉडुलस एंड डिवीजन। प्रोग्राम हमारा क्या है, इनपुट 3-डिजिट नंबर एंड रिवर्सिव। आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, बोर लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर होना बहुत मैटर करता है, इज इट क्लियर। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम बहुत सा, ये देखिए मैं आपको इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ कि जब भी आप कोडिंग राउंड में बैठते हैं राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आपने क्यों यूज की। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोड में बहुत सारे कोड हमें पता होता है, इंटरव्यू के अंदर हम लिखते भी है, बट अगर हमें उसका रीजन पता नहीं तो व्हाट हैपन इट मे बी रिजेक्शन। इज इट क्लियर, आई अंडरस्टैंड और नॉट, यस। अब देखिए जैसे अभी हम इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं राइट, तो अभी हम पूरा का पूरा लॉजिक एक बार लिखते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, क्या करना है राइट, तो अभी आपको 1 2 3 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, 10। बताइए इसकी वजह से क्या मिलेगा, 1 2। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 120। तो यहां पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा।
उसके बाद 10 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1, ये क्या है 10, यहां पे आप आइए क्या है, उसके बाद 10 डिवाइड बाय 1 0, यहां पे क्या आता है 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब देखिए अभी हमें 3 को क्या करना है, 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1। अभी आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 300 प्लस 20 प्लस 1। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे बताइए इट इज सीरीज ऑफ एडिशन और नॉट, ये तीन अलग अलग नंबर के एडिशन थी, एक तरीके की सीरीज हो गई है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब मैं लास्ट में पूरा कोड सॉल्व करूंगा ना, आपको समझेगा कि मैंने इतने सारे स्टेप्स आपको क्यों बताए हैं। आई अंडरस्टैंड, ये क्या है आपकी सीरीज ऑफ एडिशन, तो आपको बताए ये दो तीन तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये आपका सीरीज ऑफ एडिशन है। तो आपको एक रूल बता दूं, देखिए प्रोग्रामिंग में हमारे पास नॉर्मली चार तरीके के सीरीज आते हैं या उनके कॉम्बिनेशन आते हैं, लाइक एडिशन का सीरीज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज हो सकता है, डिवीजन का सीरीज हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन का सीरीज हो सकता है, या इन चारों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या स्क्वायर के सीरीज आ सकते हैं, या पावर के सीरीज आ सकते हैं, क्यूब के आ सकते हैं, या लॉग के सीरीज आ सकते हैं। इसके बाजू बाहर हमारे पास नॉर्मली कोई सीरीज नहीं आए। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये एडिशन का सीरीज है, मैंने अगर आपसे कहा एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का सीरीज कैसे होगा, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉट, यस। मैंने कहा पावर, दो नंबर का पावर निकालिए, मैंने कहा 5 पावर 4 निकालिए, तो क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या है मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। देखिए एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूं, तो मैंने यहां पे आपसे क्या कहा है, मैंने यहां से आपसे कहा है क्या है ये 300 प्लस 20 प्लस 1, अब ये तीन डिजिट है, इसीलिए ये हो गया। अगर कल जाके अगर चार डिजिट होते 1 2 3 4 तो कैसे होता, 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस ऑफ 1, ये भी क्या बन रही है yes। तो मतलब इस रिवर्स के कोड में आप एक चीज ध्यान में रखिए, इस रिवर्स के कोड में मेरे पास क्या आ रही है सीरीज ऑफ समिशन, यस आर नॉट। तो आपको एक प्रोग्रामिंग का रूल बताता हूं, एक प्रोग्रामिंग का रूल है, प्रोग्रामिंग का रूल है, इफ यू हैव सीरीज ऑफ ए सम देन वी रिक्वायर टू परफॉर्म ए समिशन और सम विथ नेक्स्ट वैल्यू एंड स्टोर इट्स रिजल्ट समवेयर। जैसे इसका मतलब समझा, मैं कह रहा हूं 3 प्लस 20, तो पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, तो ये कितना बनेगा 320, तो ये रिजल्ट कहीं पे रखना पड़ेगा, और इस रिजल्ट के साथ वापस किसे करना है प्लस 1 के साथ, तो ये क्या बनेगा 321। अगर मान लो अगर आपके पास ऐसा होता 1 2 3 4 5, तो कैसे होता 5 इंटू कितना 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, तो अभी आपको क्या करना पड़ता 50,000 बराबर ना प्लस 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 और नॉट। तो आप बताइए यहां आपको बैक रिजल्ट स्टोर करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए ये बहुत बहुत ही इनडेप्थ पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझने में क्या हो सकती है तकलीफ हो सकती है, बट नहीं समझा तो मुझे बताइए। अभी पहले हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन किसका करेंगे, यस 550,000 प्लस 400 क्या आएगा 54000। अभी देखिए इसका एडिशन हो गया, अब ये रिजल्ट कहीं पे रखना पड़ेगा, इस रिजल्ट के साथ किसको प्लस करना है 300 को प्लस करना है, तो क्या बनेगा 54000। इसके साथ किसे प्लस करना है प्लस 20 को करना है, तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा स्टोर करना पड़ता है। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट। देखिए इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको 54320
इसके साथ किसे प्लस करना है, तो इसको ये भी रिजल्ट कहीं पर रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ यू हैव अ सीरीज ऑफ अ सम देन वी रिक्वायर टू परफॉर्म द सम ऑफ सम विथ अ नेक्स्ट वैल्यू एंड स्टोर इट्स रिजल्ट समवेयर, मतलब समवेयर मतलब किसी वेरिएबल में। इसीलिए सो व्हेन वी हैव राइट सम इज सम सीरीज इन योर कोड, इन योर कोड, यस आर नॉट, व्हेन वी हैव सम सीरीज इन योर कोड देन वी रिक्वायर टू डिक्लेयर वन एक्स्ट्रा वेरिएबल विथ जीरो वैल्यू। अब देखिए, मतलब अभी आपको ये परफॉर्म करने के लिए, मैं कोडिंग में पूरा करके दिखाऊंगा आपको, ये परफॉर्म करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लीजिए और उसे जीरो इनिशियलाइज करें। जैसे मैं इंट रिवर्स इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, मैं इंट रिवर्स इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, जीरो लिख रहा हूं। अभी देखिए, मतलब मैंने मेरे कोड के अंदर शुरू में एक वेरिएबल लिखा जिसका वैल्यू क्या है, हाँ जीरो है। अभी देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैं कोडिंग लास्ट में करके दिखाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन क्या है, रिवर्स इक्वल टू जीरो लिखा, फिर क्वेश्चन क्या है, वाई रिवर्स इक्वल जीरो, आपने जीरो ही क्यों इनिशियलाइज किया। इसके दो रीजन, आपको पता है मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, किसी भी वैल्यू को जीरो के साथ प्लस करें वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब इनिशियल लेवल पे मैं अगर, हमारे एग्जांपल के हिसाब से देखिए, इनिशियल लेवल पे मैं अगर इस 300 को ऐसे करूं, जीरो प्लस 300 क्या आता है, 300 ही आता है। अगर मैं रिवर्स को जीरो की जगह पे वन करता तो वन प्लस 300 तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता, ये रूल है मैथ का। इसीलिए मुझे सम की सीरीज के साथ जाना है, इसीलिए मैंने इनिशियल एक वेरिएबल लिखा जिसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। मैंने अगर ऐसे लिखा यहां, ये समझने का बाउंसर मारता है, मैंने अगर यहां लिखा आर इक्वल्स आर प्लस 300, आप देखिए R का वैल्यू क्या है, जीरो प्लस 300 क्या हुआ, क्या रिजल्ट आएगा, जीरो प्लस 300 इक्वल्स गाइस कितना, 300। अभी आप मुझे बताइए मैंने क्या किया, ये जो मेरा 300 है ये वापस से याद रखिए, मैंने ये 300 वापस से कहां डाला, कहां आर में पोस्ट किया। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वेरिएबल ऑलवेज यूज दी लास्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो मेरा आर का पहला वैल्यू क्या था, जीरो था। अभी मेरा आर के अंदर क्या जाएगा, परफेक्ट। अभी मेरा जो आर है गाइस उसके अंदर क्या जाएगा, 300। तो अभी मेरे आर की वैल्यू जीरो होगी या मेरे आर की वैल्यू 300 होगी, परफेक्ट स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो आर है इसका जो वैल्यू होगा ये जीरो नहीं, ये 300। इतना क्लियर। अभी हम आगे ऐसा अगर प्रोसेस करते हैं, आर इक्वल्स आर प्लस 10, सॉरी आर प्लस 20। आप बताइए आर कितना है, 300 प्लस 20 इक्वल्स कितना, देखिए मतलब बैक स्टोर है ना, तो ये 320 कहां जाएगा, हाँ यस गाइस, ये 320 मेरा आर के अंदर जाता। जब 320 मेरा आर में जाएगा तो आप मुझे बताइए हमारा जो आर है, हमारा जो आर है ये क्या होगा, 320। अब मान लीजिए मैंने अगर लिखा R इक्वल टू आर प्लस 1, अब बताइए R कितना है, 320 प्लस 1 कितना, 321। तो आप बताइए मेरा R क्या हो गया, 321। तो मतलब यहां पे अभी अगर आप आते हैं, या सॉरी ये दिख नहीं रहा, अभी R का लेटेस्ट वैल्यू क्या है बोलिए, 321 है। अभी आप R को प्रिंट करें, अभी आर को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या 1 2 3 3 20 होना हो गया, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक। अभी हम इसी लॉजिक को अच्छे से इलाबरेट करते हैं। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता आर का, भी देखिए वापस से शुरू करते हैं और बाद में लास्ट में कोड लिखेंगे,
ये देखिए ठीक है, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, मान लो मैं अगर यहाँ पे आपको 1000 भी एग्जांपल सॉल्व करके दूं, बट अगर कंसेप्चुअली नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी एग्जांपल को हम अच्छे से करते हैं। मानते हैं हमारा आर इनिशियल लेवल पे क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए जीरो है। अगर हमारा आर अगर जीरो है तो हम लिखेंगे आर इक्वल्स आर प्लस रिमाइंडर इनटू 100। ये देखिए, अब देखिए मैंने रिमाइंडर यहां देखिए, पहली स्टेप में आइए, पहली स्टेप में मेरा रिमाइंडर कितना है, कितना है 3 है। तो अब बताइए यहां ऐसे बनेगा 0 + 3 × 100। अभी आप बताइए इट इज अरिथमेटिक इक्वेशन और नॉट। सो ये प्लस और इनटू अरिथमेटिक है ना, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो पहले कौन सॉल्व होगा, ये कैसे होगा 0 + 300। अब बताइए ये 300 वैल्यू कहां जाएगी, कहां जाएगी, परफेक्ट परफेक्ट, याद रखिए 300 वैल्यू आर में जाएगी। मतलब अभी आपका आर जीरो नहीं है, क्या है 300 है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं आर इक्वल्स आर प्लस रिमाइंडर इंटू 10, हम अलग अलग लॉजिक से कर सकते हैं बट मुझे समझाना है इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, लेंदी जाके बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। R इक्वल टू आर प्लस रिमाइंडर इंटू 10, आर कितना है 300 प्लस 2 × 10। अभी पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो पहले क्या बनेगा, यहां अगर आप आते हैं तो क्या बनेगा 300 प्लस 20 इक्वल्स कितना, बताइए R की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई है। देखिए मैंने इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है, तो अभी हमारा जो आर है, बताइए आर का वैल्यू क्या होगा, परफेक्ट, अभी हमारा जो आर है गाइस उसका वैल्यू होगा 320। मेरा आर अभी 300 नहीं होगा, हमारा आर क्या है 320 बनेगा। अभी वापस से आप लिखिए आर इक्वल्स आर प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई 1 कीजिए, तो कोई जरूरत नहीं है, 1 करेंगे तो भी चलेगा, रिमाइंडर 1 है तो क्या होगा 320 प्लस 1 × 1 क्या आएगा 1, तो 321 प्लस क्या है 321। आपको देख आपको समझ में आ रहा है, तो अभी देखिए अभी आप आर को प्रिंट करेंगे तो बताइए आपका आर आपको क्या देगा, क्या आपका ये रिवर्स के नंबर का लॉजिक है या नहीं है। यस, मतलब याद रखिए ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें इतने ऑपरेटर की जरूरत है, दैट इज मॉड डिवाइज, उसके बाद ये चार ऑपरेटर का यूज करना है। मॉड का यूज हम किस काम के लिए करेंगे, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डिवीजन का यूज किसके लिए करेंगे, लास्ट डिजिट को डिलीट करने के लिए। मल्टीप्लीकेशन का यूज क्यों करेंगे, पोजीशन चेंज करने के लिए। और प्लस का यूज क्यों करेंगे, जो पोजीशन चेंज हुए तो वहां पे एक जीरो बढ़ा रहे हैं हम, तो जीरो के साथ वैल्यू को, जीरो के जगह वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए प्लस यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आर यू अंडरस्टैंड, ये समझाने का बाउंसर है, ये समझता है कि वह नहीं समझ पक्का। यस अनिता इकड़े मैं फिर इम्पोर्ट जावा डॉट यूट्यूब डॉट स्टार, यस और नॉट, इनपुट लेना है तो कौन सा क्लास यूज करेंगे, यूटिल स्कैनर क्लास। तो स्कैनर को यूज करने के लिए क्या है, यूटिल है, पब्लिक क्लास, कैसे रिवर्स नंबर एप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ थिंग्स। देखिए कल हमने स्कैनर के स्टेप्स डिवाइड किए थे, तो ये कौन से स्टेप में आता है, स्टेप 1। अभी हमें किसकी ऑब्जेक्ट बनानी है गाइस, स्कैनर एक्स वाई जेड इक्वल्स न्यू ऑफ स्कैनर सिस्टम डॉट इन बराबर यहां पे इंट ऑफ नंबर कॉमा रिमाइंडर कॉमा रिवर्स इक्वल्स। देखिए अभी जितने स्टेप्स हमने वहां पे मैन्युअली किए हैं वो सारे के स्टेप्स हम कोड में इंप्लीमेंट करके मैं आपको बाद में बताता हूं। ये हमने यहां पे किया था रिवर्स इक्वल टू 0, बस इतना ही चाहिए यहां पे। उसके बाद मैसेज क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन एंटर 3 digit नाम। देखिए हम इसे कितने भी डिजिट के लिए कर सकते हैं बट वो हम लूपिंग के अंदर करेंगे, अभी नहीं,
इज इट क्लियर? अभी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है. एंटर दी एंटर थ्री डिजिट नंबर, फिर नंबर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई जेड और नेक्स्ट. उसके बाद रिमाइंडर इक्वल्स नंबर मॉड 10, उसके बाद नंबर इक्वल्स नंबर बाय 10, रिवर्स इक्वल्स रिवर्स प्लस रिमाइंडर इनटू 100. देखिए ये किया था हमने. अभी आपको कुछ नहीं है, इसको ही उठाना है, कॉपी कर दीजिए. यहां देखिए राइट, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10, यस और नॉट? इसके बाद अभी अगर आप आते हैं तो यहां देखिए, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर इनटू 1, यस और नॉट? अभी आप इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ रिवर्स इज परसेंट डी ऑफ आर लिखिए. चलिए अभी हम पूरा का पूरा कोड अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? याद रखिए. इज इट क्लियर? ये सारा का सारा कोड हमें क्या करना है, यस देखना है. अभी अब कंसिडर गाइज, दिस इज योर मेमोरी, यस और नॉट? इस मेमोरी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो कंसिडर दिस इज माई JVM, क्योंकि प्रोग्राम तो रन JVM करेगा. कंसिडर ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये यहां पे आता है. यहां पे आने के बाद सबसे पहले क्या रन करेगा, मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के बाद क्या होगा, नंबर कॉमा रिमाइंडर कॉमा रिवर्स इक्वल टू 0. मतलब मेरे पास कितने ब्लॉक है मेरे मेमोरी में, मेरे मेमोरी में 3 ब्लॉक बने हैं. समझते का अपन थोड़ा लेंदी जातो है, मतलब आपला व्यवस्थित बघायचं, शॉर्टकट मारायचा नाही. इज इट क्लियर? आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की सक्सेसला शॉर्टकट नसते, हे मी नाही म्हणत, अरे खरं तुम्हाला मी ना एक काय करतो ना, एक अंबानीचा व्हिडिओ पाठवतो. लिटरल त्यांनी ते व्हिडिओ खूप सुंदर, लिटरल त्यांनी तर सांगितलं की मी 3 लर्निंग युथला देतो, त्यातला एक लर्निंग आहे, त्यांचं एक वाक्य आहे की हार्डवर्कला सबस्टिट्यूट नाही आहे. आता समजा ते जर म्हणतात की हार्डवर्कला सबस्टिट्यूट नाही आहे, याचा अर्थ ते खरं आहे, कारण की त्यास आपण म्हणले असते की स्मार्ट वर्कने पण जास्त माणूस मोठा होतो. आता राईट ऑर नॉट, जो माणूस सगळ्या भारताला विकत घेऊ शकतो तो जर म्हणतोय समजा हार्डवर्कला काय नाहीये, सबस्टिट्यूट नाहीये, म्हणजे ते खरं आहे. थोडस सिस्टमॅटिक जाऊया. नंबर वी हॅव हियर रिमाइंडर, वी हॅव हियर रिवर्स. अब देखिए अगर हम रिवर्स इक्वल टू रिवर्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, याद रखिए रिवर्स का जो इनिशियल वैल्यू है 0. अभी अब यहां ये अगर आप यहां पे आते हैं तो एंटर थ्री डिजिट नंबर, अगर हम यहां पे आते हैं मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर इज नाउ, नंबर का वैल्यू क्या है 1 2 3 है. सो ये जो नंबर है ये आपका 1 2 3 मिलना चाहिए इनिशियल लेवल. इसका क्लियर? यस और ये जो कोड हमने लिखा है क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया? यस उसके बाद ये देखिए नंबर इक्वल टू 1 2 3 है. उसके बाद में अभी आप देखिए यहां पे जब आप आते हैं यहां लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मोड 10, 10 डिवाइड बाय 1 2 3 दैट इज 12. इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे अगर आप आते हैं तो ये 120 है, यहां पे अगर आप आते हैं तो 3 है. आप मुझे बताइए ये इस स्टेप में ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर आपको क्या दे रहा है? देवानंद स्क्रीन और लिहू नको, ये आपको क्या देगा 3. तो आप बताइए कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, 3 है. मतलब हमने नंबर में से लास्ट वाला डिजिट बाहर निकाला या नहीं निकाला, तो रिमाइंडर कितना आएगा इधर अभी 3 है. तो ये वैल्यू कहां चली गई, रिमाइंडर के अंदर चली. तो मेरा अभी देखिए इसका मतलब पहला स्टेप हुआ हमने इस नंबर में से लास्ट वाला डिजिट क्या किया है बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया. मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रिमाइंडर ऑपरेटर इज यूज फॉर टू कैलकुलेट द रिमाइंडर बट इट इज आल्सो यूज फॉर टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर, यस और नॉट? तो ये 10 हुआ. अभी मैंने यहां पर लिखा रिमाइंडर इक्वल नंबर डिवाइड बाय 10 और नॉट, तो ये ऑपरेटर आपको क्या दे रहा है गाइज, ये ऑपरेटर क्वेश्चन दे रहा है. अगर ये ऑपरेटर अगर आपको क्वेश्चन देता है तो याद रखिए 12 है, याद रखिए 12 कहां जाएगा,
ये 12 आपका नंबर में जाता है, मतलब यहां पे अगर आप आते हैं तो ये जो आपका नंबर है इसका वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। अभी 1, 2, 3 है क्या? नहीं है। ये सारी प्रोसेस मैंने मैन्युअली करके दिखाई है ना आपको, तो ये नंबर की वैल्यू 12 है, मतलब नंबर की लेटेस्ट वैल्यू क्या है गाइस, 12। अभी आप इसके नीचे आप कहीं पे भी नंबर को यूज करें, आपको 1, 2, 3 मिलेगा या 12 मिलेगा, क्या मिलेगा? 12 क्यों मिलेगा? क्योंकि नंबर कभी वेरिएबल कभी भी कौन सी वैल्यू के साथ जाता है? लास्ट एग्जिस्टेंस के साथ जाता है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो रिवर्स आपका इनिशियल कितना है, 0 + 3 × 100। क्या हमने किया था, यस और नॉट? अभी देखिए, मैं मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी इसका लॉजिक था, जस्ट मैं इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर, इज इट क्लियर और नॉट? सो 0 + 3 × 100, तो एज पर रूल ऑफ बॉर्मॉस यहां पे सबसे पहले कौन रन होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो 3 × 100 कितना बताइए, 300। तो 0 + 300 = 300। अभी आप मुझे बताइए 300 वाली वैल्यू कहां चली गई, ये 300 वाली वैल्यू कहां गई है, रिवर्स में गई है गाइस। तो रिवर्स अभी जीरो नहीं, आपका जो रिवर्स है ये क्या है बताइए, आपका जो रिवर्स है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये 300 है। आई अंडरस्टैंड? आप देखिए, मैंने आपको बताया था, अभी हम हमारे क्वेश्चन शुरू में आते हैं, 1, 2, 3 मैंने बताया था कि आपको नंबर रिवर्स करना है, मतलब आपको डिजिट के पोजीशंस बदलने हैं। तो मैंने यहां पर कहा कि ओरिजिनल नंबर में 3 का पोजीशन 0 है, तो मुझे 3 को 0 के ऊपर से कहां लेके आना है, 100 पोजीशन पे लेके आना है। तो मैंने 3 को क्या कन्वर्ट किया, 300 कन्वर्ट किया, मतलब मेरा एक डिजिट क्या हुआ, पोजीशन, एक डिजिट की पोजीशन क्या हुई है, चेंज हो गई। आई अंडरस्टैंड? अभी हमें दूसरे के साथ आना है, अभी ये प्रोसेस खत्म हो गया, अभी हमें इसमें कुछ इतना ये नहीं लगता, कट कर देते हैं। अभी आप इस लॉजिक के ऊपर आइए, अगर हम इस लॉजिक के ऊपर अगर आप आते हैं तो याद रखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, नंबर कितना है अभी आपका, 1, 2, 3 या 12 परफेक्ट। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 12। अब बताइए यहां क्या आएगा, बोला जाता 1। यहां पे अगर आप आते तो क्या आता है, 10। बताइए इसका रिमाइंडर क्या, 2 है। अभी मुझे आपसे ये पूछना है गाइस, अगर इसका रिमाइंडर 2 है तो बताइए ये जो 2 है ये 2 कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा। नंबर इक्वल टू क्या, नंबर डिवाइड बाय 100, ये सॉरी नंबर बाय 10 है, सॉरी गलत हो, सॉरी 10। ये आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, क्वेश्चन हु इज दिस, ये क्या है आपका 1, ये क्वेश्चन 1 है, तो नंबर का अंदर 1 गया, मतलब अभी ये 1 कहां गया, कौन से वेरिएबल में अपडेट हुआ, नंबर में अपडेट हुआ, मतलब मेरा नंबर अभी 12 नहीं, मेरा नंबर है गाइस क्या, परफेक्ट 1। अब देखिए यहां इक्वेशन को पढ़िए जरा, अभी मैं इसे हटाता हूं, मुझे लिखना है बराबर। यहां देखिए रिवर्स प्लस रिमाइंडर इंटू 100, रिवर्स कितना है 300 + 2 × 10, बराबर ना, यस और नॉट, समझते का, यस। देखिए मतलब मैं वही तो बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्या हम कोड लिख रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम के अंदर क्या करना है जब तक समझ में नहीं आता शायद हम तब तक कोड नहीं करते। मतलब कोडिंग आपका प्रैक्टिस से बनता है और लॉजिक भी प्रैक्टिस से ही बनता है, एकदम से नहीं बने, इज इट क्लियर और नॉट? आई अंडरस्टैंड? मतलब अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, 3 + 2 × 100, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 300 + 20 क्या है ये, 320, व्हाट इज दिस, ये सॉरी 320 लिखना था, 1 गलती से टाइप, ये जो 1 है ये 1 320, ये 320 की बात अगर आप कर रहे हो तो रिवर्स की वैल्यू क्या है, परफेक्ट गाइस, आपका जो रिवर्स है ये 320 है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अभी हमने कितने डिजिट का पोजीशन चेंज किया है स्टूडेंट्स,
विशिप्त पोजिशन ऑफ टू डिजिट। मैं आपको एक लाइन में करके दिखाता हूं, बट ये मैंने जानबूझ के इतना लेंदी क्यों किया, मुझे आपको दो चार चीजें सिखानी थी। मॉड का यूज सिखाना था, डिविजन का सिखाना था, वेरिएबल का बिहेवियर पढ़ाना था। इज इट क्लियर? अभी देखिए लास्ट स्टेप में आते हैं। आप बताइए आपका नंबर कितना है? नंबर कितना है? 1, 10 by 1, that is your 0. यहां पे अगर आप आते हैं तो ये क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पे अगर आप आते हैं तो ये 1 है आपका रिमाइंडर। नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 की बात अगर आप करेंगे तो व्हाट इज योर फोन नंबर? इज नंबर नंबर इज 0। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर इंटू 1। रिवर्स कितना है? 0। सॉरी रिवर्स कितना है? 320 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 321 और नॉट? यस और नॉट? अभी अगर आप देखते हैं तो व्हाट इज योर रिमाइंडर? रिवर्स इज नाउ कितना है ये? 321। यस और नॉट? सो अभी अगर आप ये रिवर्स को रिप्लेस अगर आप कर देते हैं, याद रखिए, सो व्हाट इज योर रिवर्स इज नाउ गाइस, याद रखना आपका जो रिवर्स है ये 321 है। यस और नॉट? मैंने यहां पे आर नहीं प्रिंट करना चाहिए था, मेरे से गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोडिंग करते तो शायद इंप्रूव हो जाता। ये यहां आर नहीं प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है हमें? वांट प्रिंट आर ईवी। यस और नॉट? लगा तो मैं इसे रिप्लेस ही कर देता। जस्ट वेट, अभी अगर आप यहां पे आते हैं और ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट परसेंट डी ऑफ आर ईवी तो क्या आएगा? तो क्या आपका नंबर चेंज नहीं हुआ? यस। अभी आप देखिए आपका नंबर रिवर्स हुआ है, तो अभी आपका जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है? मतलब इसका मतलब नंबर जब जीरो हो गया, मतलब हम मानेंगे कि भाई हमारे सारे के सारे डिजिट ही नंबर के क्या हो गए हैं? खत्म हो चुके हैं। यस आर नॉट? आर यू अंडरस्टैंड? यस, इट्स वेरी सिंपल। चलिए ट्राई करें। यहां पे अगर आप आते हैं इंपोर्ट जावा डॉट, जस्ट टाइप करते हैं पब्लिक क्लास रिवर्स क्या नमैप, यहां देखिए पब्लिक क्या स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स, थोड़ा सा फॉन्ट बन, उसके बाद क्या करेंगे आप यहां स्कैन एक्स वाई जेड न्यू स्कैन सिस्टम डॉट इन इंट ऑफ नंबर कॉमा रिवर्स इक्वल टू 0 कॉमा आर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर नंबर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डॉट नेक्स्ट सिंप रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मोर टाइम नंबर इक्वल्स टू नंबर वाई 10। यस सर? नो, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, सॉरी रिवर्स प्लस रिमाइंडर इंटू 100, वो भी कर सकते हैं। यस और नॉट? सिर्फ यहां पे एक जीरो कम और यहां पे दो जीरो। अब यहां ऐसे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ क्या रिवर्स नंबर परसेंट डी ऑफ आर ई व्यू। अरे भी नम कहां सेव करेंगे? सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद जावा जेडीके मिनी। कमांड प्रॉम्प्ट सी डी टेस्ट जावा सी आर ई वी नम यहाँ जावा आर ई वी नम ऐप 1 2 3 क्या है?
आप थ्री डिजिट वाला कोई भी नंबर कीजिए, एन डिजिट के लिए भी हम करेंगे, बट धीरे धीरे देख। यस आर नॉट 765, दैट्स वेरी मोर, आर गेटिंग, इज इट क्लियर? क्लियर? अब देखिए इतना बड़ा लॉजिक अपने को लिखने की जरूरत नहीं, हम इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। आप इसे एक लाइन में कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर इक्वल टू 1, 2, 3 है, अभी हम लिखेंगे नंबर इक्वल्स, देखिए मैं करके दिखाता बाद में समझाऊंगा, नंबर मॉड 10, इसको ब्रैकेट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, नंबर बाय 10, मॉड 10, प्लस नंबर डिवाइड बाय 100, देखिए करें सॉल्व, व्हाट इज द एलिफेंट नंबर इज नाउ, अब देखिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इनर ब्रैकेट है ना, यहां ऐसे होगा, क्या नंबर क्या है 1, 2, 3, पहले हम डायग्राम निकालते हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है, क्या नाम है वेरिएबल का, हा 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3 है। अब मैं यहां पे अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं नंबर कितना है 10 / 1, 2, 3, दैट इज कितना आएगा 12, कितना आता है 120, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3, बट देखिए जो इनर ब्रैकेट जो आपका सॉल्व हो रहा है, इस इनर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये क्या है, क्या ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा 12 मिलता है, क्वेश्चन देगा ना 12, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये ब्रैकेट ऐसे बनेगा, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारा जो ये ब्रैकेट अगर सॉल्व हो गया तो मेरा इक्वेशन ऐसे बनेगा, याद रखना मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा गाइस, मेरा इक्वेशन ऐसे बोलते हैं, नंबर मॉड 10 इनटू 100 प्लस यस आर नॉट 12 मॉड 10 प्लस नंबर बाय 100, ये बनेगा ना, यस आर नॉट, समझ आ रहा है नहीं है, ये सॉल्व नंबर 12 ही आता है ना यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट हो गया। अभी आप देखिए इसमें सबसे पहले ये भी एक ब्रैकेट है ना, यहां पे आप आइए, यहां पे हमारा ब्रैकेट ऐसे है, कैसे नंबर मॉड 10, याद रखिए हा भी कैंसिल नंबर मॉड 10, अभी नंबर कितना है आपका, चेंज नहीं हुआ है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा 12, रिमाइंडर कितना बचता है गाइस, हा रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो ये इस ब्रैकेट का आंसर होगा 3 × 100 बराबर, आगे क्या प्लस, ये जो ब्रैकेट इसका आंसर क्या है 2, हाँ यहाँ पे मेरे से छोटी सी एक चीज भूल गई है, थोड़ा सा मैं एक स्टेटमेंट करना भूल गया, जस्ट वेट, इसे आप कट कर दीजिए, ये आप रनिंग में कर रहे थोड़े बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस तो है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, याद रखना यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, सो 2 इंटू क्या है 10 बराबर ना, ये 12 मॉड 10 कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय क्या 100, तो क्या आता है 1, तो ये ऑपरेटर हमें क्या देगा, ये वाला ऑपरेटर क्या दे रहा है, ये ऑपरेटर क्वेश्चन देगा दैट इज 1 और नॉट, मतलब ये जब रन होगा, ये रन होने के बाद मेरा जो आंसर है ये क्या बनेगा गाइस, ये रन होने के बाद मेरा आंसर 1 बनता है, इसका मतलब हुआ 300 प्लस 20 प्लस 1 इक्वल टू 321 और नॉट, अंडरस्टैंड, सो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं वापस नंबर में रिप्लेस कर रहा हूं, ये रिजल्ट वापस कहां गया नंबर में,
तो ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी और मेरा वेरिएबल किसे ओवरराइट करेगा? याद रखिए, मेरा वेरिएबल किसे? 321 को। अभी आप नंबर को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, 321 मिलता है। मतलब याद रखिए, अभी हमें इतना लंबा चौड़ा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहां आप देखिए, अगर हम यहां पे एक ही वेरिएबल रखते हैं, नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 3 डिजिट नंबर, नंबर इक्वल्स नंबर मॉड 10 इंटू 100 प्लस नंबर बाय 10 मॉड बाय 10 इंटू 10 प्लस नंबर डिवाइड बाय 100 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ आफ्टर रिवर्स इज परसेंट डी ऑफ नंबर, और यहां आपको ऐसे लिखना है नंबर इक्वल्स यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ बिफोर क्या रिवर्स इज परसेंट डी ऑफ नंबर, फाइल को सेव। यहां पे देखिए, बिफोर रिवर्स 678 आफ्टर रिवर्स 876 समझते का। अभी एक चीज देखिए, आपको ऐसा मत लगना चाहिए कि सर आपने इसे बहुत ही रटा नहीं है। मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा था कि बहुत छोटा प्रॉब्लम है, अगर हम सोच समझ के करते हैं तो हमें बेसिक इतना अच्छा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एप्टी के क्लासेस अच्छे से खींचे, ये आपको 100% कोडिंग में कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने अगर आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, एक एग्जाम्पल मान लो मैंने अगर आपसे कहा कि आप क्या करना है, आपको ट्रेन का डिस्टेंस इनपुट करना है और ट्रेन का स्पीड इनपुट करना है, और ऐसा प्रोग्राम बताइए कि आपके एप्लीकेशन में बताना चाहिए कि ट्रेन उस डिस्टेंस पे कितने ड्यूरेशन में रीच हो। अगर मैंने कह रहा हूं कि ट्रेन 200 किलोमीटर जाएगी, और मान लो कि ट्रेन का पर हावर का जो रेट है ये 120 है, तो आपका ट्रेन उस लोकेशन पे कब तक कहां तक पहुंचेगा, कितने समय पहुंचेगा, व्हाट हैपन, आपको ट्रेन की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। यस और नो, क्लियर? कल जाके मान लीजिए अगर मैंने अगर आपसे कहा कि आपको क्या करना है, एक बैंक है उसके लिए आपको ईएमआई कैलकुलेटर बनाना है, सो व्हाट है, आपको क्या पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो शायद आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस और नो, कल अगर मान लीजिए मैंने अगर कहा कि एक आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रिडिक्शन करना है, जैसे एक आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, मतलब मैंने अगर आपसे कहा कि मैं अभी पुणे में घर लेना चाहता हूँ, तो आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए कि मैं अगर किसी भी एरिया का नाम एंटर करूंगा और इंटर नाम और एरिया एंटर करूंगा तो मुझे उसका प्राइस प्रिडिक्टेड प्राइस मिलना चाहिए जो उसके लगभग हो। तो आपको यहाँ पे हो सकता है, अगर आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए वाई इक्वल टू क्या है, एमएक्स प्लस बी, इसके लिए तो मैथ लगेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप एप्टी के अंदर कवर कर सकते हैं। मतलब कि एप्टी, आप ये मत सोचिए कि मैथ है, ये हमें सोचने के ऊपर मजबूर करता है। और कोडिंग का रूल है, कोडिंग के अंदर आपका लॉजिक लगे या लॉजिक ना लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो क्या ये इंपॉर्टेंट है। नए नए हम गलत तरीके से लॉजिक अप्लाई करेंगे, बट अगर हम ये गलत तरीके से भी क्यों ना, और थोड़े गाइडेंस के अंदर अगर हम रेगुलर करेंगे तो 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हम लॉजिक लगाने सीख जाते हैं। इज इट क्लियर? मतलब जिन्हें क्या करा मैनेज करा, मैं तुम्हारा सॉर्ट देना सर ले बोर मारते कधी कभी, इज इट क्लियर? मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कोड का हाल है तुम्हारा, यस, बाकी आप नंतर बोलो। रिवर्सल लॉजिक क्लियर? यस और नॉट? ठीक।